तो भाई हम लोग पढ़ते हैं आज ओजोन, क्या पढ़ेंगे? ओजोन ओजोन परत है ना, ओजोन परत। अब इसी का अगला पॉइंट हम क्या पढ़ेंगे, ओजोन अपक्षय। क्या अपक्षय? अपक्षय का मतलब होता है नष्ट। क्या होता है? नष्ट, बर्बाद है ना, नष्ट हो जाना, बर्बाद हो जाना। तो ओजोन कैसे कहाँ है, कैसे है, और ओजोन अपक्षय कैसे होता है, तो ध्यान समझेगा कि मान लो जैसे सूर्य, क्या है? सूर्य, सूर्य है। तो सूर्य को, सूर्य के आसपास एक जाल है, क्या है? जाल है। जैसे हम लोग चाय को छाकने के लिए छकनी का इस्तेमाल करते, आटा को चालने के लिए छलनी का इस्तेमाल करते है ना, मुड़ी को करने के लिए क्या करते हैं, मुड़ी को साफ करने के लिए वो भी चल नहीं आता, वो बड़ा वाला बांस वाला। तो हर चीज को छापने के लिए काम होता है, क्यों? ताकि प्योरीफाई चीज जाए, खराब चीज आपके पेट में है ना जाए। तो हम छकनी चलनी का लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते। जब इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे ही क्या है, सूर्य के सामने चलनी और छकनी का इस्तेमाल कौन करता है? ओजोन परत। कौन करता है? ओजोन परत। बस समझ गए, सूर्य के करीब है, सूर्य के बाद इसका नंबर आता है, क्योंकि सूर्य जो है लौलिहान होता है, गर्मा गर्म होता है। जैसे बाप क्या हो गया, सूर्य क्या हो गया, सूर्य वो क्या करता है, पूरा लौलिहान गर्म रहता है। और माँ क्या, छकनी क्या हो गया, छकनी या चलनी हो गया, सामने आया थोड़ा सा रहम हो गया, ठीक है। और अक्सर घर में ये होता है अमूमन, कोई चीज बेटी को कपड़ा मांगना हो या बेटा को कपड़ा मांगना हो तो पहले कहा माँ के पास, डायरेक्ट बोलोगे तो रिएक्शन फास्ट निकलेगा, थप्पड़ ही पड़ जाएगा, और चप्पल तो पड़ना तय है, खास कर बुआ सबको, बेटी में इसको मिल सकता है, बाप के बोल दे दो, मेरे बेटा का बात सुनने के, बेटा का बाप मतलब बेटा का बात सुनने के लिए बाप राजी जल्दी नहीं होता है। तो डांट या फिर थप्पड़, वरना फिर डांट चप निकल। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, पहले मम्मी को, तो मम्मी जब बोल देते मम्मी को मान लेती है, तो मम्मी क्या हो गया, छकनी और चलनी, क्या हुआ भाई, बोलो भाई क्या हुआ, छकनी और चलनी। तो क्या कहा, किसके पास? सूर्य के पास, सूर्य का बाप। और जो ही छाका तो उसके बाद बढ़िया बढ़िया बात निकलेगा, मतलब निकलेगा, गर्म तो होगा लेकिन वो काम का होगा, हानिकारक नहीं होगा आपके लिए, मतलब कुछ लायका नहीं हो देना। कभी कभी बाप मारता थप्पड़ मुँह में, माँ आती है, काम हो जाता, पता रहता है। तो ये ओजोन, तो ओजोन माँ कौन हो गया, ओजोन परत क्या हो गया, ओजोन परत। और बाप क्या होगा, सूर्य, सूर्यदा, ये सूर्य है एकदम बड़ा डेंजर, ऐसा हंसने का और बिना निकाल दिया मुर्दा बोल गए, ठीक है। तो बाप हुआ ओजोन, मतलब बाप हुआ सूर्य और माँ हो गई ओजोन परत। तो ऐसे ही जब हमारे पास सूर्य जो होता है वो क्या करता है, जब अपनी रोशनी को जब जमीन की तरफ देता है तो उसके आगे अल्लाह ताला ने क्या पैदा कर दिया, ओजोन परत। जो लेयर, जो हानिकारक किरण है, पारा बैगनी किरणें हैं, उनको अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, उनको रोक देता है, रोक जा भैया, अब जो है बाहर निकल, तब वो जो हानिकारक नहीं होता। अब सर अपक्षय होने का मेन कारण क्या है, प्रदूषण, क्या है प्रदूषण सर, इसका मेन कारण क्या, सीएफसी, क्या है सीएफसी, करोड़ों करोड़ों कार्बन। अभी तो खैर फ्रिजों में कर दिया एचएफसी, क्या कर दिया है, हानिकारक हो। जितने भी ये टेक्निकल चीजें है ना, जैसे एसी, फ्रिज, जो बहुत अच्छी चीजें हम लोग मानते हैं ना, बहुत टफ है ये सब, इतने भी प्रदूषण है ना, सब लेयर बाय लेयर क्या होता है, जमा हो रहा है ओजोन परत में, और धीरे क्या छिद्र हो गया, क्या हो गया, छिद्र होना शुरू हो गया है ओजोन लेयर। इसलिए जो हानिकारक पारा बैगनी किरणें हैं वो डायरेक्ट चमड़े पर पड़ जाए तो स्किन कैंसर पकड़ता, क्या पकड़ता है, स्किन कैंसर पकड़ता है। इसलिए ओजोन अपक्षय का मतलब हुआ जो जी भी प्रदूषण वाली चीज है, जो हानिकारक चीज है, वो जाकर क्या होता है, ओजोन लेयर में चिपक जाता है, और ओजोन लेयर धीरे धीरे खत्म नष्ट हो रहा है, छिद्र हो रहा है, और वही अल्ट्रावायलेट किरण जो हानिकारक किरण है, सूर्य के द्वारा छिद्र करते हुए पहुंच जाती है आपके शरीर पर, ठीक है। तो इंसान को स्किन कैंसर होना शुरू हो गया, बात समझ गए। इसलिए कहते हैं कि टेक्नोलॉजी जितनी चीजें आई है ना, तो इसके एडवांटेज के साथ डिसएडवांटेज भी है, जो हमारे
पर्यावरण वातावरण वायुमंडल का खराब कर रहा है, बस में है आगे आओ जब अब छे आगे आओ जब परत है। चलिए आज के पैर रखते हैं, अगला अगला क्वेश्चन।